नमस्कार दोस्तों, हरियम स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्वेश्चन 5 का हल करेंगे। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में ई और एफ क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। देखिए आकृति दर्शाई के रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें कहता है, देखिए ई AB का मध्य बिंदु है और एफ CD का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, देखिए AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित मतलब 3 समान भागों में विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखना है, दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। ठीक है, सिद्ध करना है AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करता, अर्थार्थ का मतलब होता है यानी, इसका मतलब देखिए तीन बराबर भागों में विभाजित करते हैं, DP बराबर PQ बराबर BQ, ये तीनों बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। इंग्लिश से कहते हैं प्रूफ, हिंदी से प्रमाण अथवा उपपत्ति। देखिए AB और DC ये समांतर क्वेश्चन में दिया है, AB समांतर DC तथा, देखिए AB बराबर DC ये समांतर और बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर और समांतर होता है। तो यहाँ कारण में दे देंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ठीक है, देखिए AB का इसको आधा कर देते हैं और ये DC को भी आधा कर देते हैं। तो देखिए ई AB का मध्य बिंदु है, तो ये दोनों बराबर है, AE और B ये बराबर है, तो AB के आधा को AE लिख सकते हैं। ठीक है, तो AE बराबर, देखिए और DC, देखिए DC में F, देखिए F मध्य बिंदु है, तो ये दोनों भी बराबर होगा। ठीक है, तो इसके आधा को लिख सकते हैं FC। ठीक है, तथा देखिए AE समांतर FC, देखिए ये क्यों होगा? तो देखिए AB समांतर DC है, तो देखिए यहाँ कारण देना होगा, AB समांतर DC, देखिए AB और DC समांतर है, तो देखिए AE AB का ही भाग है। ठीक है, उसी तरह देखिए FC DC का ही भाग है। ठीक है, तो ये भी आपस में समांतर होगा। ठीक है, तो देखिए चतुर्भुज AFCE के सम्मुख भुजा का देखिए एक युग्म समांतर और बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, AFC एक समांतर चतुर्भुज हो गया। चूंकि चतुर्भुज AFC की सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर और समांतर है, इसका मतलब, इसलिए AFC एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए समांतर चतुर्भुज का देखिए एक युग्म मतलब एक जोड़ा, ये देखिए समांतर और बराबर भी है, इसका मतलब यह समांतर चतुर्भुज है। जब यह समांतर चतुर्भुज प्रूव हो गया तो AF और EC भी समांतर हो जाए, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा है, अर्थात AF समांतर EC, ये दोनों भुजा भी समांतर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समय बचाने के लिए इसको थोड़ा पहले हल करके रख लिए। देखिए
चतुर्भुज, देखिए त्रिभुज एबीपी में देखिए ई ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। तथा देखिए ई क्यू समांतर ए पी, ये समांतर होगा, क्यों होगा देखिए, क्योंकि देखिए ई सी और ए एफ ये समांतर है। अभी हम लोग आगे सिद्ध किए कि ए एफ, देखिए ए एफ और ई सी समांतर है, ठीक है। तो देखिए ई सी और ए एफ जब ये समांतर है तो इसी का भाग ये है, तो ई क्यू और ए पी ये भी समांतर हो जाएगा। देखिए किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, देखिए एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, देखिए यानी इस ये इसके समांतर है, तो इस देखिए इस भुजा को समद्विभाजित करेगा, ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, ठीक है। अर्थात इसके मतलब देखिए बी क्यू और ये देखिए पी क्यू ये भी बराबर हो जाएगा, तो बी क्यू बराबर पी क्यू, ठीक है। अब देखिए फिर त्रिभुज सी सी क्यू डी में इसी प्रकार देखिए एफ एफ देखिए सी डी का मध्य बिंदु है, और देखिए पी एफ पी एफ कहें एफ पी कहें की बात है, देखिए पी ये इसके समांतर है, ठीक है, देखिए क्योंकि ए एफ और ई सी देखिए ए एफ और ई सी समांतर है, ठीक है। तो देखिए इस त्रिभुज के देखिए इसके मध्य बिंदु से ये इसके समांतर है, तो इसको देखिए इसको बराबर भागों में विभाजित करेगा, इसके समांतर देखिए ये रेखा है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, अर्थात डी पी बराबर पी क्यू ये बराबर हो गया। देखिए समीकरण एक तथा दो से देखिए डी पी बराबर पी क्यू, ठीक है, डी पी और पी क्यू बराबर हो गया। और यहाँ देखिए समीकरण एक में देखिए पी क्यू और बी क्यू भी बराबर है, इसके मतलब देखिए डी पी पी क्यू और बी क्यू तीनों बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ सिद्ध क्या करना था, देखिए डी पी पी क्यू और बी क्यू तीनों बराबर, ठीक है, क्या लिख देंगे, अर्थात ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करता है, कहने वाले तीन समान भागों में विभाजित करता है, ठीक है, यही सिद्ध करना था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिख दें। धन्यवाद।